भारत में गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन अयोध्या में गोपाष्टमी के मौके पर काशीवकपुरम में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के नेताओं के साथ साथ साधु संतों ने गौ माता की पूजा पाठ करके उनके भव्य राम मंदिर निर्माण का आशीर्वाद मांगा। हालांकि इस दौरान भाजपा सांसद लल्लू सिंह यह कहना नहीं भूले कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले को देखते हुए उन्होंने देश ही नहीं दुनिया भर में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की प्रार्थना की है। साफ जाहिर है कि अयोध्या में इस बार की गोपाष्टमी में राम मंदिर से जुड़े साधु संत हो या फिर उससे जुड़े लोग, सभी लोगों ने पूरे आयोजन और धार्मिक क्रिया को राम मंदिर निर्माण और सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले से जोड़ दिया है। गौ माता से मांगा कि पूरे विश्व को सुखी रखें, शांति रखें, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, पूज्य संतों का आशीर्वाद अयोध्या पर सदैव बरसे, अयोध्या जनपद, अयोध्या महानगर में रहने वाले लोग सुखी और संपन्न हों और देश और समाज की सेवा कर सकें। जो हमने कहा उसमें सौहार्द तो अपने आप, जब सुखी रहना है, संपन्न रहना है, तो बगैर सौहार्द ही कैसे सुखी संपन्न कोई रहेगा। हाँ बताइए, अयोध्या के आगामी संभावित फैसले को लेकर आप देश की जनता से कोई अपील करेंगे? पूरे देश ही नहीं, दुनिया से हम निवेदन करेंगे कि किसी भी प्रकार का सौहार्द न बिगड़ने पाए और सब भाईचारे के भाव से आपस में मिल करके देश के विकास और देश के उत्थान में सहयोगी बने। को धन है और सर्वोच्च धन है, गाय में सभी देवता निवास करते हैं। हम गोमाता से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबके ऊपर, जैसे एक माँ अपने बच्चों पर लालन पालन, उनके पोषण के लिए चिंता करती है, ऐसे ही गाय हम सबका पोषण करती है। चराचर जगत में जितने भी जीव हैं उनमें गाय मातृ स्वरूप है। उसी माता से हम सब ने प्रार्थना की है कि वो हम सबके ऊपर अपना कल्याण वाला वरद हस्त रखें। इसी प्रार्थना के साथ हम लोगों ने आज पूजन किया है। चंद्रभानु शर्मा, बद्री भगत वेद विद्यालय, दिल्ली।